नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आ गया हूं राजार हाट में और आज मैं आप लोगों को एक 3 BHK सेमी फर्निश्ड फ्लैट दिखाने वाला हूं जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है आपका 1190 स्क्वायर फीट। ये फ्लैट आपको एक कॉम्प्लेक्स में मिलने वाला है कार पार्किंग के साथ। ये फ्लैट आपको एक G+5 टावर में मिलेगा जो कि इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे अवेलेबल मिल रहा है, जो कि इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देता हूँ, ये एग्जैक्टली आपको मिलेगा 91C रोड के ऊपर। यहाँ से जो आपका बाबला तला बस स्टैंड है वो आपको मात्र 3 मिनट डिस्टेंस में मिल जाएगा। यहाँ से जो नारायणपुर बाजार है वो आपको मात्र 2 मिनट डिस्टेंस पे मिल जाएगा और यहाँ से जो आपका डिरोजियो कॉलेज है वो आपको मात्र 4 से 5 मिनट डिस्टेंस पे मिल जा रहा है। तो लोकेशन काफी बढ़िया है, एकदम मेन रोड 91C रोड के ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाला फ्लैट मिल जा रहा है। इसका जो प्राइस है वो भी काफी रीजनेबल होने वाला है पार्किंग के साथ। प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे हैं या फिर आप किसी को ढूंढ रहे हैं जो आपकी मदद करे आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जल्दी से कॉल करके हमें बुलाइए। हम आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे और उसे YouTube, Facebook और Instagram के जरिए मार्केटिंग करके जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बेचने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, खरीदना चाहते हैं जो आपको मिल नहीं रही है, तो उसके लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ आप जाके लोकेशन और उसका बजट मेंशन कर दीजिए। हम उसी लोकेशन पे जाके आपके बजट में प्रॉपर्टी ढूंढ के उसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे ताकि आपको आपके हिसाब की प्रॉपर्टी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों ये है आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर का व्यू, आप देख सकते हैं ये एक G+5 टावर है। तो इसी कॉम्प्लेक्स में आज हम लोग देखेंगे हमारा 3 BHK फ्लैट 5th फ्लोर के ऊपर। ये है कॉम्प्लेक्स का लॉबी एरिया, वो है आपका मेन एंट्रेंस और इस तरफ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एक पार्किंग एरिया। तो इस फ्लैट के साथ भी आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड पार्किंग मिल जाएगी। इस तरफ आप देख सकते हैं ये है आपका मीटर एरिया, इस तरफ आपको यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाटर पंप मिल जा रहा है। और इस तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका लिफ्ट एरिया, इधर स्टेयर्स लिफ्ट हम लोग खोल के देखते हैं। एक ब्रांड न्यू लिफ्ट आपको यहाँ पे मिल जा रही है, आप देख सकते हैं 5 जन यहाँ पे इस लिफ्ट में आराम से आ सकते हैं। तो अब इसी लिफ्ट से हम लोग 5th फ्लोर पे चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग 5th फ्लोर पे आ चुके हैं और ये है आपका 5th फ्लोर का कॉमन पैसेज। इस तरफ आप देख सकते हैं ये है आपका स्टेयर्स और इस तरफ चलते हैं, दिस इज द लॉबी एरिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा टाइल्स लगा के काम किया हुआ है। तो इस तरफ ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं यही आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को फ्लैट के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर जाने से पहले इस फ्लैट का जो एंट्रेंस है वो हम लोग कॉम्पास में देख लेते हैं। देख सकते हैं साउथ वेस्ट एंट्रेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो मेन डोर आपको मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लाईवुड डोर आपको मिल रहा है जिसके ऊपर यहाँ पे सनमाइका लगाया गया है। तो ये एक 3 BHK फ्लैट है जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है आपका 1190 स्क्वायर फीट और ये फ्लैट आपको एक कॉम्प्लेक्स में मिल रहा है एक G+5 टावर में। और ये फ्लैट आपको मिल जाएगा 5th फ्लोर पे जो कि इस टावर का टॉप फ्लोर है। चलिए इस फ्लैट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो फ्लोरिंग आपको मिल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन टाइल्स फ्लोरिंग आपको मिल जा रही है। तो यहाँ पे एंटर होने के साथ ही आपको एक यहाँ पे लिविंग स्पेस मिलेगा जिसका साइज है आपका 14x9 का एक लिविंग स्पेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, फुल्ली पेंटेड है, एकदम ब्रांड न्यू फ्लैट आपको यहाँ पे मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक टीवी यूनिट आपको मिल जाएगा और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, काफ़ी अच्छी लाइट्स यहाँ पे लगाई गई है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे मिल रहा है एक डाइनिंग स्पेस जिसका साइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है 12x7 का।
12x7 का एक डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अपना डाइनिंग टेबल लगा के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं एक कैबिनेट बनाया गया है, इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर का काम किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाएंगे इस फ्लैट का हमारा जो किचन एरिया है, और इस किचन एरिया का जो साइज है वो आपको 10x5 का मिलेगा। एक मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ मिल रहा है, देख सकते हैं काफी सारे कैबिनेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे जो स्लैब आपको मिल रहा है आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ग्रेनाइट स्लैब आपको मिलने वाला है। नीचे देख लीजिए पूरा कैबिनेट यहाँ पे बनाया गया है, पूरा मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है। इस तरफ देख लीजिए यहाँ पे आपको एक चिमनी मिलेगा। वॉल में देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टाइल्स लगा के काफी अच्छा काम यहाँ पे किया हुआ है। इस तरफ आपको एक ब्रांड न्यू सिंक मिल रहा है, और इस किचन में आपको यहाँ पे मिलेगा एक विंडो जिसका फेसिंग है आपका वेस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकलेंगे इस किचन से, और इस किचन के ठीक बगल में आपको मैं दिखाता हूँ इस फ्लैट का हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है। और इस फर्स्ट बेडरूम का जो साइज है वो आपको 14x9 का मिल जाएगा। 14x9 का एक काफी स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें फ्लोरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल्स आपको मिल रहा है, प्रीमियम वेट्रीफाइड टाइल्स। और यहाँ भी आप देख सकते हैं काफी बढ़िया पेंट किया हुआ है। इस रूम में आपको यहाँ पे एक एसी पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल रही है एक बालकनी। इस बालकनी का जो साइज है वो आपको 9x4 का मिल जाएगा। 9x4 की एक बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है। इस बालकनी का फेसिंग हम देख लेते हैं कॉम्पास में, वेस्ट फेसिंग बालकनी आपको यहाँ मिल रही है। और इस बालकनी से जो व्यू है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो बहुत ही लाजवाब व्यू आपको मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्विमिंग क्लब है जहाँ पे स्विमिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, तो यहाँ पे ये हमेशा ओपन रहेगा। इसी तरीके का व्यू आपको यहाँ से हमेशा मिलते रहेगा। और इस तरफ आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब निकलेंगे हम लोग इस फर्स्ट बेडरूम से, और आपको मैं दिखाऊंगा इस फ्लैट का हमारा जो सेकंड बेडरूम है। और इस सेकंड बेडरूम का जो साइज है वो आपको 12x9 का मिलने वाला है। 12x9 का एक सेकंड बेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है, देख सकते हैं काफी बढ़िया पर्पल कलर इसमें किया हुआ है। यहाँ पे जो डोर आपको मिल रहा है प्लाईवुड डोर मिल रहा है, काफी बढ़िया सनमाइका लगाया गया है। इस तरफ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको एक वार्डरोब मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्नीचर का भी काम अच्छा किया हुआ है। इसमें भी आपको यहाँ पे एक एसी पॉइंट मिल जाएगा। और इस रूम में आपको यहाँ पे मिल रहा है एक विंडो। इस विंडो का जो फेसिंग है साउथ फेसिंग, यानी कि बहुत अच्छी हवा आने वाली है यहाँ से। देख सकते हैं यहाँ भी कोई ब्लॉकेज नहीं, यहाँ से भी पूरा स्विमिंग पूल का व्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकलेंगे इस सेकेंड बेडरूम से, और आपको मैं दिखाऊंगा इस फ्लैट का हमारा जो कॉमन वॉशरूम है। और इस वॉशरूम का जो साइज है वो आपको यहाँ पे 5x5 का मिल जाएगा। और इस वॉशरूम में यहाँ पे जो फ्लोरिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग आपको मिल रही है। इस तरफ आपको पीवीसी डोर मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक छोटी सी बेसिन, यहाँ पे एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल रहा है। और वॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ऊपर तक टाइल्स लगा के काम किया हुआ है। इधर आपको एक गीजर पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए जगह है। और इस तरफ देख लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा कैबिनेट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब निकलेंगे हम लोग इस कॉमन वॉशरूम से, और इसके ठीक बगल में हम लोग देखेंगे इस फ्लैट का हमारा थर्ड बेडरूम, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसका साइज आपको मिलने वाला है 12x9 का। और इस तरफ आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर कैबिनेट बने हुए हैं, नीचे एक वार्डरोब आपको मिल जा रहा है। इस तरफ आपको यहाँ पे एक छोटा सा बेड मिल जाएगा। और इस रूम में भी आपको यहाँ पे एसी पॉइंट मिल रहा है,
और यहाँ पे सामने आपको एक विंडो मिलेगा और इस विंडो का जो फेसिंग है वो आपको साउथ फेसिंग मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड फेसिंग। और जैसा कि ये मास्टर बेडरूम है तो इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा साथ में एक अटैच वॉशरूम और एक बालकनी। तो सबसे पहले हम लोग अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। इस अटैच वॉशरूम का जो साइज है वो आपको 4x4 का मिल जाएगा। और इसमें जो फ्लोरिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे एंडिस के टाइल्स लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल में पूरा वॉल यहाँ पे कवर कर दिया गया है टाइल्स लगा के। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा शावर है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इस रूम की हमारी जो बालकनी है, और इस बालकनी का जो साइज है वो आपको 8x4 का मिल जाएगा। 8x4 की एक बालकनी आपको यहाँ पे मिल जा रही है, और इस बालकनी से जो व्यू है आपको दिखा देता हूँ, सेम ही व्यू आपको मिलने वाला है स्विमिंग क्लब का, ये हमेशा ओपन रहेगा, जो उस बालकनी से आपको मैंने दिखाया था। और इस बालकनी का जो फेसिंग है वो आपको वेस्ट फेसिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक 3BHK सेमी फर्निश फ्लैट मैंने अभी दिखाया, जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है आपका 1190 स्क्वायर फीट। आप लोगों को ये फ्लैट अगर पसंद आता है और आप लोग अगर अपना साइट विजिट बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपना साइट विजिट बुकिंग कर सकते हैं। और इस फ्लैट का जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फ्लैट आपको एकदम 91C रोड के ऊपर पार्किंग के साथ मात्र 80 लाख रुपये में यहाँ पे मिल जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग अगर मेरे इस तरीके के वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मुझे YouTube, Facebook और Instagram में फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो मुझे Instagram में फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे मेरे शॉर्ट वीडियोस आते हैं जो कि 1 मिनट के अंदर होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर आपको पूरा प्रॉपर्टी का टूर मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो ऑलरेडी आप मेरा अभी YouTube वीडियो देख ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा किसी नई लोकेशन पे किसी नई प्रॉपर्टी के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।